ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतामृत अंत लीला चैप्टर 4 प्यास संख्या 203। तो महाप्रभु ने जो अपने भक्त के ऊपर भक्त के साथ जो लीला करी थी, हरिदास ठाकुर ने उसको पहचान लिया कि आपने जो सनातन गोस्वामी को जो कष्ट दिया था, यह आपकी लीला थी, ये दिखाने के लिए कि भक्त कष्ट में भी कैसे समर्पित रहता है, हम्बल रहता है। संसार में अधिकतर जब कष्ट आते हैं तो आदमी विद्रोही बन जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतनी भक्ति करी थी तो मेरे साथ ये क्यों हुआ। अक्सर मैंने लोगों को ऐसे हमने भक्ति को छोड़ते हुए देखा है। कष्ट हमारे जीवन में पहले भी आ रहे थे भक्ति के, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के बाद लोगों के कष्ट बढ़ गए। ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। हमारे अगर हम किसी देखें, हमारे जीवन में बचपन से ही कष्ट थे, लेकिन भक्ति करने के बाद वो दिखने लगते हैं। ओहो, ऐसा तो नहीं है कि उस देवी देवता की हमने भक्ति बंद कर दी तो ये भगवान ने या उस देवी ने या देवता ने कष्ट देना शुरू कर दिया। अक्सर हम घबरा के छोड़ देते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वाकई में वो इस प्रकार से रहता है जैसा सनातन गोस्वामी को हमने देखा। कष्ट में भी वो और ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ गए, क्योंकि वो अपने आप को और ज़्यादा विनम्र उन्होंने बना लिया। तो ये सारी लीला थी, हरिदास ठाकुर उसको पहचान गए संसार को दिखाने के लिए। तो अब बोलते हैं हरिदास ठाकुर, सही जारी खंडेरा पानी तुम ही खाओ याइला, सही पानी लक्ष्य इहार खंडू उपजाइला। हे प्रभु, आपने सनातन गोस्वामी को झारीखंड का जल पीने को बाध्य किया। हाँ, जैसे हमने सुना कि उन्होंने एक जगह पर जल पिया जहाँ जल अपवित्र था, कुछ उसमें कीटाणु थे जिससे कि ये बीमारी हुई। तो आप ही ने वहाँ जल पीने को बाध्य किया वास्तव में, और वास्तव में उनके शरीर में खुजली के घाव आपने ही उत्पन्न किए। कंडू करी परीक्षा करी ले सनातन, यही लीला भंगी तो मार के ना ही जाने। इन खुजली के घावों को इस तरह उत्पन्न करके आपने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी नहीं समझ सकता। जैसा हमने चर्चा किया था कि भगवान अधिक कष्ट भी अपने भक्तों को ही देते हैं। यस्या हम अनुग्रहामि हरन्ति तद्धनं, शनैः भी हम सुनते ही हैं कि जिस पे अनुग्रह ज़्यादा हो जाता है उसका सब छीन लेते हैं ताकि वो टोटली भगवान पे निर्भर हो जाए, जैसे नारद मुनि। तो इस प्रकार से भगवान अपने निकटतम भक्तों के साथ अधिक छेड़ाखानी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये छेड़ाखानी करने से तिल मिलाएगा नहीं। हमारे जो बहुत निकट होता है हम उसके साथ कई बार व्यंग भी कर लेते हैं, हमें पता है ये बुरा नहीं मानेगा। तो इस प्रकार से निकटता का ये सूचक है हमारे जीवन में, यदि कष्ट आ रहे हैं तो। दूहे आलिंगी या प्रभु गेला नीला निजालया, प्रभु रघुणे कहे दूहे हैया प्रेम माया। हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान पर लौट गए, और तब हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी ने भाव विभोर होकर महाप्रभु के दिव्य गुणों का वर्णन करना शुरू किया। तो ये बहुत अच्छा तरीका है विरह को दूर करने का, गुणों का गान। भगवान चले गए हैं लेकिन अब वो सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं जो उनके साथ हुई, उन्होंने करी, और इससे हृदय बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है, हल्का हो जाता है। गोपियाँ भी इसी प्रकार से भगवान के विरह को सहती थी। दोनों ने गुणों का गान, दिव्य गुणों का गान करना शुरू कर दिया। महाप्रभु के इतने एक साथ महाप्रभु बहुत सारे काम कर देते हैं। उन्होंने इस लीला में अपना प्रेम संबंध भी दिखाया कि भक्तों के साथ कैसे उनका निजी व्यवहार है, निजी संबंध है, कष्टों में कैसे रहना चाहिए ये भी दिखाया, कैसे हमें शारीरिक स्तर पर भेद नहीं करना चाहिए ये भी सिखाया। क्योंकि कुछ रीतियां हमारे दिमाग में ऐसे घुस गई हैं संसार की, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य तो भगवान ने बनाए, लेकिन जन्म के आधार पर जो जाति के आधार पर हमने बना दिया वो भी हमारे दिमाग में घुसा रहता है, निकलता नहीं है अक्सर। तो हम किसी शूद्र जाति रूप से शूद्र के हाथ से खाने को भी दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ महाप्रभु ने एक हरिदास ठाकुर जो कि मलेच्छ थे उनको आलिंगन करते थे, उनके साथ खाना खिलाना करते थे, और दूसरा सनातन गोस्वामी। तो ये भगवान ने बताया कि वैष्णव का शरीर कितना दिव्य है, कितना पवित्र है। हमने सुना बहुत सारे चर्चाएँ इससे हुई, और किस प्रकार से दुख में भी भक्त सरेंडर रहता है ये हमने सीखा।
हाँ सनातन गोस्वामी इतने दुख में भी जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये शरीर तुम्हारा नहीं है मेरा है, तो तुरंत मान गए, उस शरीर को त्यागने का भाव भी छोड़ दिया। और अब दोनों दिव्य गुणों का गान कर रहे हैं। एई मत सनातन रहे प्रभु स्थाने, कृष्ण चैतन्य गुण कथा हरिदास सने। और इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में रहे और हरिदास ठाकुर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों की चर्चा करते रहे। तो भक्त लोग क्या करते हैं, साथ में बैठ के दिव्य चर्चाएं करते हैं, भौतिक चर्चाएं नहीं करते हैं, मंडेन डिस्कशंस, प्रजल्प नहीं करते हैं। प्रजल्प करने से डेफिनेटली समस्या आती है, अभी नहीं तो थोड़ी देर में दोनों का बीच में बहस होगा, कुछ मन मुटाव होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगा। लेकिन यदि हम भगवान के विषय में चर्चा करते रहेंगे तो सारे रिश्तों को अच्छे तरीके से जिंदगी भर निभाना है तो यही तरीका है। हम लोग जनरली रिश्तों में जैसे ही रिश्तेदारियों में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ प्रजल्प करने लगते हैं, धीरे धीरे कम देखते हैं और रिश्तेदारियाँ सारी बेकार हो गई। लेकिन सब लोग मिलकर अगर भगवान की चर्चा करते रहें तो पति पत्नी को भी अपना रिश्ता बचाना है तो यही तरीका है। कैसे हम गुरु की, वैष्णव की, भगवान की गुणगान करते रहें, लेकिन वो चर्चाएँ क्योंकि कुछ और होने लगती हैं इसलिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। डोल यात्रा देखी प्रभु तारे विदाई दिला, वृंदावने ये करी बेन सब शिखाइला। डोल यात्रा उत्सव देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन में जो कुछ करना था उसका पूरी तरह आदेश देकर उन्हें विदा किया। तो अब जो है लगभग 1 साल 10 महीने रहने के बाद अब उनको बताया फिर से कि तुम्हें वृंदावन जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, और उनको विदा किया। तो हम जैसा अक्सर सुनते हैं कि सेवाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, खटमल की तरह चिपकने से आदमी खून ही पीता है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि हम उनको प्रसन्नता दें, उनके हृदय को। कभी प्रसन्नता मिल के होती है और कभी प्रसन्नता सेवाओं के माध्यम से होती है, दोनों में ही प्रसन्नता है। हमें देखना पड़ेगा प्रसन्नता किस चीज़ में है, हम कहाँ पर फोकस करें अपनी लाइफ को। तो सनातन गोस्वामी अब ये महाप्रभु के मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं वृंदावन की ओर, और यहाँ पर उन्होंने जो जो किया हम जानते ही हैं। उन्हीं के, इन्हीं लोगों के वजह से आज ये प्रचार कार्य इतना तेज़ी से फैल रहा है। शिल प्रभुपाद हमेशा रूप और सनातन और इनसे इनसे प्रार्थनाएं करते थे कि कैसे मैं जो राधा दामोदर मंदिर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राधा दामोदर मंदिर में जो जगन्नाथ, जो गोवर्धन की शिला है वो सनातन गोस्वामी को मिली, और उसी जगह पर रूप गोस्वामी की समाधि भी है, तो वहीं पर वो उनसे प्रार्थनाएं करके उनकी इच्छाओं के लिए उन्होंने प्रचार शुरू किया, उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए जो उनको आगे उनके गुरु से मिली। तो इस प्रकार से गुरु भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए सनातन गोस्वामी को विदा किया। ये काले विदाए हैला प्रभुर चरणे, दुई जनार विच्छेद दशा ना याय वर्णने। जब सनातन गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे से विदा ली तो जो विरह दृश्य उपस्थित हुआ उसका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। यस, ऐसा नहीं है कि वैष्णव के हृदय नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वो हायर पर्पज़ के लिए उन सारी भावनाओं को भी दबा देते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज़ कि हम भगवान के सेवा में लगे रहें। तो बहुत जवाब विदा, यहाँ पर देखा गया कि भगवान को भी विरह हुआ। जो भगवान आत्मा राम है, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो भी, उनका भी, इसका मतलब भगवान एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ही इज़ अ पर्सन जिनको विरह महसूस होता है। वो विरह केवल राधा रानी के लिए नहीं होता है, हम उनके प्रिय भक्तों के लिए भी होता है। भगवान बड़े एकदम से भक्तों के लिए उनका उनके कष्ट, भगवान कष्ट देते भी हैं, उनको कष्ट सहन भी नहीं होते हैं अपने भक्तों के। तो जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग कई बार कुछ कड़ा स्टैंड ले लेते हैं, और बच्चे को कष्ट हो रहा है, उससे हमें भी कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका चरित्र बनाने के लिए हम उसको सहन करते हैं। तो इसी तरीके से भगवान जो है भक्तों को कष्ट देते हैं, और भक्तों का कष्ट उनको सहन भी नहीं हो रहा होता, लेकिन वो ज़रूरी भी होता है। यहाँ पर भी ज़रूरी है सनातन गोस्वामी को भेजना, लेकिन भगवान भी विरह महसूस कर रहे हैं, और दोनों के विरह में जो दोनों रो रहे हैं, कैसे भाव प्रकट कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी
और चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं उसका वर्णन नहीं, मैं उसको लिख के नहीं बता सकता, हर चीज़ को लिख के नहीं बताया जा सकता है, उसको कह रहे हैं फील किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। ये ही वन पथे प्रभु गेला वृंदावन, से ही पथे यहीते मन कैला सनातन। सनातन गोस्वामी ने उसी जंगल के मार्ग से होकर वृंदावन जाने को का निश्चय किया जिससे होकर महाप्रभु गए थे। महाप्रभु जंगल से गए थे, सनातन गोस्वामी को अब जो है हुसैन शाह का डर नहीं था देखा जाए तो। हाँ, हुसैन शाह के ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उस वक्त वो जंगल के रास्ते से आए थे वास्तव में वापस, अब भी जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अब जाने का कारण है महाप्रभु की गए हुए स्थानों की के दर्शन करना। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हमारा पर्पज यही है, संसार में देखने योग्य वस्तुएं बहुत सी हैं, बहुत सी हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि किसी भी धाम यात्रा को साइट सीइंग मत बनाइए, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, उस देखने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। हमारे हर कार्य भक्ति में होना चाहिए, इसलिए हम उन लीला स्थलियों का दर्शन करने में फोकस करते हैं जहाँ पर हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, तो उन लीला स्थलियों में हम जाने का प्रयास करते हैं। तो सनातन गोस्वामी बहुत अच्छा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से गए जहाँ महाप्रभु गए थे, और महाप्रभु ने बहुत कुछ लीलाएँ करी थी, हमने सुना जंगल में सारे जानवर भी नाचे थे। ये पथ है ये ग्राम नदी शैला यहाँ ये ही लीला, बलभद्र भट्ट स्थाने सब लिखी नीला। सनातन गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य से पूछा, क्योंकि बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ में गए थे, कि कहाँ कहाँ गए थे, एक एक गांव में, यहाँ से इस गांव से कौन से गांव में गए थे, उस गांव से कौन, अब उन गांव में जाने लायक क्या है, हैं कुछ नहीं उनमें जाने लायक। हम कई बार देखते हैं, अच्छा अरे क्या था यहाँ पर, वो टूटा हुआ घर था, यहाँ क्या था। जैसे हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, अब जब घर से वापस भी आ जाते हैं बोलते हैं यहाँ देखना क्या था, अब देखना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो टूटा हुआ घर है। हाँ, लेकिन भक्त वहाँ जाते किस लिए हैं, क्योंकि ओ महाप्रभु यहाँ आते थे, महाप्रभु यहाँ पर प्रसाद लाए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कुल्ला भी नहीं किया था, पेस्ट भी नहीं किया था, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद को ले लिया, महाप्रभु से खा लिया। हम महाप्रभु ने बोला पेस्ट तो कर लो, महाप्रसाद मिलते ही खा लेना चाहिए, पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर महाप्रभु ने षडभुज रूप दिखाया था, ये सब इमेजिन करते हैं भक्त लोग, कथा के माध्यम से सुनते हैं, उस जगह में जाते हैं, उस जगह में गंभीरा में हम जाते हैं, गंभीरा एक कमरा है छोटा सा, कुछ नहीं है वहाँ पर, यहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे, ये घर है बड़ा ही सरल सा सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई वहाँ पर वो हाथी बैल और बहुत बढ़िया बढ़िया संगमरमर और कुछ लगा हुआ नहीं है, ऐसा ही है जगन्नाथपुरी का अधिकतर दर्शन। और मायापुर के नवदीप के दर्शन भी इसी प्रकार के हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, बड़े साधारण से घर हैं और कुछ नहीं है, मगर उन घरों में वो वैष्णव रहे थे, इसलिए हम वहाँ जाते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। यदि हम आपके घर में जाएं कभी तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी, है ना, प्रसन्नता होती है। तो वैसे ही भगवान, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन, हाँ वो देखते हैं, अच्छा वहाँ गया था, वहाँ जा रहे हैं, तो वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ऐसे स्थानों में जाते हैं, देख के कुछ हमें वो ताजमहल, झूलती मीनारें और पता नहीं क्या क्या, एफिल टावर, ये देख के सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसी तरह से हम मंदिरों के दर्शन भी ये करने जाते हैं, ओहो क्या शिल्प कला का कैसा प्रदर्शन है, देखिए इसकी मीनारें देखिए, कैसे एक एक चीज़ पत्थर को काटा गया है देखिए। तो मंदिरों में हमारा जाने का पर्पस भगवान से मिलना होता है। यदि आपके घर में कोई इसलिए आए कि आपका घर जी बड़ा अच्छा है, सेंट्रली एसी है, हाँ मैं जा रहा था गर्मी बहुत थी, थोड़ी देर मैंने कहा यहाँ बैठ जाऊँ, तो आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एसी की हवा खाने आया, ऐसा करते हैं ना कई बार हम दुकानों में जाके थोड़ी देर भैया एसी दुकानों में बैठ जाएँ, तो इसलिए तो अगर कोई आपके घर में आए कि आपके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया सामान मिलेगा, खाने को कुछ मिलेगा, देखने में कुछ मिलेगा, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, पता लग गया अगर गलती से आपको तो। वैसे आदमी पता लगने नहीं देता है, लेकिन लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो उनकी शिल्पकला देखने, वो तो कई सारे लोग जाते हैं तो शिल्पकला देखने जाएं वो भी अच्छा है, किसी तरीके से वो जाएगा, लेकिन ये भगवान के शुद्ध भक्तों के नेचर नहीं है। कई पर्पज से मंदिर बनाए जाते हैं ना, जैसे इस्कॉन के मंदिर भी हैं, बड़े दिव्य बड़े भव्य बनाए जाते हैं,
कई लोग तो केवल उन मंदिरों को देखने आते हैं। ओ हो, कैसा, तेरे को पता है इटालियन मार्बल लगा है वहां पर। अच्छा, अच्छी बात है, आइए देखिए। फिर विग्रह को देखते हैं, उसी तरह से विग्रह भी है। अब विग्रह भी बहुत ही सुंदर दिखने वाले विग्रह और बहुत ही साधारण दिखने वाले विग्रह। हाँ, हम देखते हैं कि अक्सर पुराने विग्रह इतने शेप ही नहीं होते जितने आजकल के बनाए गए। एक एक हाथ अलग है, पैर अलग है ना। आप उनको कपड़े बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, पुराने विग्रहों में आप कपड़े नहीं बना सकते हैं ढंग से। हाँ, वो जुड़े हुए होते हैं कई जगह से, लेकिन उन विग्रहों की कितनी महत्व है क्योंकि वो गोस्वामियों द्वारा पूजे गए। तो कहने का मतलब है कि जो आंखें हैं ये धोखा देती हैं, ये भाव नहीं पकड़ पाती है, ये ऊपरी सुंदरता पकड़ती है अक्सर। इसलिए आंखों से बहुत गंदगी जाती है हमारे शरीर में, क्योंकि हम ऊपरी सुंदरता देखते हैं। तो यदि हम इस अंदर के भावों को समझेंगे तो हम इन छोटी छोटी जगहों में जाएंगे और कोई मतलब नहीं है कि कौन सी हमें आर्किटेक्चरल ब्यूटी को देखना है। हमें उन लीलाओं, उन स्थलों में इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु गए। तो सनातन गोस्वामी ने बलभद्र भट्टाचार्य से पूछा गांवों के बारे में, नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, सब लिख लिया। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जो जो किया था बलभद्र भट्टाचार्य बताया बताया होगा, यहाँ पे आए थे महाप्रभु, यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे इस नदी से पानी पिया था, वहाँ पे पानी पिया था, वहाँ पे प्रसाद पाया था, एक एक चीज़ लिख डाली उन्होंने। महाप्रभुर भक्त गणे सवारे मिलिया, सही पथे चली आए से स्थाने देखिया। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों से मिले और तब उन्होंने उसी रास्ते से यात्रा करके उन स्थानों को देखा जिनसे होकर श्री चैतन्य महाप्रभु गुजरे थे। और क्योंकि सारे धाम जो हैं ब्रज में भी हैं, इसलिए ब्रज में भी हम ऐसी जगह देखते हैं। और हम ऐसी जगहें भी देखते हैं जहाँ पर श्री भगवान के चरण चिन्ह हैं जानवरों के साथ। और ऐसा आज भी झारखंड में भी वो जगह है जहाँ पर वो निशान बने हुए हैं। ब्रज में बहुत जगह आपको निशान दिखेंगे भगवान के चरणों के। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के भी दिखेंगे आपको। इवन आपको जगन्नाथपुरी के पास में ही अलालनाथ में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु पूरे लेटे हुए हैं भाव में और पूरे पूरा शरीर का निशान पड़ा हुआ है। तो ऐसे जगहें हमें आज भी दिखती हैं और भक्त लोग उन जगहों को देखकर उन लीलाओं को याद करते हैं। तो ये सारी जगहों को सनातन गोस्वामी ने देखा। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत भी है शरणागति में, गौर हमार ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, ये सब स्थान हेरिव आमी प्रणयी भगत संगे। मैं चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों की लीलाओं से संबंधित सारे पवित्र स्थानों के दर्शन करना चाहूँगा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए। भक्त को यह बात मन में रख लेनी चाहिए कि जहाँ जहाँ महाप्रभु ने लीलाएं करी उन स्थानों के दर्शन किए जाएं। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त उन स्थानों के दर्शन भी करना चाहते हैं जहाँ महाप्रभु कुछ घंटों या मिनटों के लिए गए। लेकिन उसका क्या करें जब हमें चार धाम की यात्रा का लगा है, पता नहीं कौन से तो वो धाम है, किसने धाम बनाया। हर किसी के चार धाम की डेफिनेशन भी अलग हो गई है। आदमी सोचता है वह मरने से पहले चार धाम की यात्रा कर लें, क्योंकि आदमी को मुक्ति चाहिए अल्टीमेटली, उसको भक्ति प्रेम नहीं चाहिए, सेवा नहीं चाहिए। सेवा में तो करना पड़ेगा ना, मुक्ति मतलब छुट्टी। तो छुट्टी जो है उसकी छुट्टी हो जाती है, फिर माया भी छुट्टी कर देती है फिर। इसलिए ये हमारे लिए धाम क्या है, हमारे लिए धाम हुए हैं जहाँ महाप्रभु गए, जहाँ हमारे वैष्णव गए। इवन शिला प्रपात के हर वो स्थान जहाँ वो रहे, हाँ, जहाँ उन्होंने कुछ किया, वो भी हमारे लिए धाम है। टॉम क्या है वो, टॉम स्किन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा धाम है। हर वो जगह जहाँ महाप्रभु ने या उनके भक्तों ने लीलाएँ करी, शिला प्रपात ने लीलाएँ करी, वो भी हमारे लिए धाम जैसा है। ये लीला प्रभु पथे कैला ये स्थाने, ताहा देखी प्रेमावेश हया सनातने। जब भी सनातन गोस्वामी ऐसे किसी स्थान को देखते जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग में अपनी लीलाएं की थी, तब वे तुरंत ही प्रेमावेश से पूरित हो जाते। तो अल्टीमेटली वो भाव पैदा करे जाए, वो श्रवण किया जाए, वो याद किया जाए कि हाँ हमने ये सुना था, उस श्रवण को याद किया जाए। लोगों का फोकस दर्शन में ज़्यादा होता है, दर्शन का एक मतलब फिलॉसफी भी होता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक बार बोला, दर्शन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन दर्शन से भी इम्पोर्टेंट है दर्शन। दर्शन के दर्शन यानी कि उसके पीछे की फिलॉसफी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि
उसके पीछे की जो कथा है, फिलॉसफी है, ताकि वो हमारे अंदर भाव पैदा कर पाए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, दर्शन से इल्यूजन भी क्रिएट होता है संसार में। संसार में भगवान ने दिव्य वस्तुओं को छुपा रखा है, जैसे वृंदावन को छुपा रखा है। आज वृंदावन में ज़बरदस्त गर्मी होती है, ज़बरदस्त सर्दी होती है, गलियां बहुत ही कंजस्टेड हो गई हैं, नालियां खुली पड़ी हैं, जानवर बहुत ज़्यादा हुए हैं, यमुना जी का पानी बहुत गंदा हो चुका है। यही है छुपाना। क्योंकि इसके बाद भी यदि कोई वृंदावन आता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब वो वृंदावन के भाव को समझ के वहाँ पर अच्छा हुआ, तो भगवान समझ जाते हैं। हाँ, तो लेकिन अक्सर जो है वो जो आंखें देखती हैं उससे उसकी सुंदरता छुप जाती है। तो यही है भ्रम, ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है ताकि जो लोग केवल बढ़िया वस्तु देखने आए हैं वो यहाँ पर ना आए, तो वहाँ से थोड़ा आगे चले जाएं, थोड़ा ही आगे जाएंगे तो सुंदर संगमरमर का ताजमहल मिलेगा, बीच में क्या है भरतपुर बर्ड सेंचुरी मिलेगी, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आएगा वृंदावन में, शायद हॉल्ट करे क्योंकि तो खाने पीने का बहुत कुछ है, और फिर आगे निकल जाए। लेकिन वो गोस्वामियों के मंदिर हमेशा छुपे ही रह जाएंगे, जो लोग जानते तक नहीं है हाँ कि गोस्वामियों के मंदिर हैं, गोस्वामियों के वहाँ पर समाधियाँ हैं, कितने स्थान है वृंदावन। अक्सर लोग एक दिन किसी को बोलो कि हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रजमंडल एक महीना वृंदावन में क्या करोगे? हाँ मतलब क्या है, वो एक गली तो है, वो सड़क में वहाँ पर वो है, उसके पेड़ मिलते हैं, आगे वो बिहारी जी के मंदिर के आगे वो लस्सी मिलती है, थोड़ा वहाँ पे एक मार्केट है, तो एक दो दिन से ज़्यादा क्या करोगे आप? एक महीना ब्रज में हो, हम कहते हैं एक महीने में भी हम पता नहीं आधे से भी कम देख पाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना कुछ है। लेकिन उसके लिए साधारण बनना पड़ता है, ब्रजमंडल परिक्रमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी ईगो को, अपने बॉडीली आराम को त्याग दिया है, वो व्यक्ति देख सकता है उन सारे स्थानों। तो इसलिए हम बड़ी साधारण वस्तु हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड लीलाओं को सुनकर हम प्रेमावेश में होने का प्रयास करते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी तो पूरी तरह से प्रेमावेश में डूब जाते थे। एई मते सनातन वृंदावन आईला, पाछे यासी रूप गोसाई तहां रमी लीला। और इस तरह सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, बाद में रूप गोस्वामी आए और उनसे मिले। अब ये दोनों यहाँ पर मिले, लुका छुपी का गेम चल रहा था, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, अब ये दोनों भाई मिल गए हैं। एक वत्सर रूप गोसाई गौड़े विलंब हईला, कुटुम्बेर स्थिति अर्थ विभाग करी दिला। इसलिए रूप गोस्वामी को बंगाल में एक वर्ष का विलंब हो गया, क्योंकि वे अपना धन अपने संबंधियों को बांट रहे थे और उन्हें उनकी समुचित स्थितियों में स्थापित कर रहे थे। जो भी उन्होंने अर्जित किया था, आप जानते हैं असंख्य धन था इनके पास, अनलिमिटेड। तो उस धन को इन्होंने बांटा था, आपको यदि याद हो, 50% वैष्णवों में भक्ति के कार्यों में डोनेशन दे दिया था, 25% अपने संबंधियों को दे दिया था, और 25% फ्यूचर के लिए रखा था, जो बाद में सनातन गोस्वामी के काम भी आया। तो इस प्रकार से ये जो आबंटन है इसको वो कर रहे थे। यद्यपि रूप गोस्वामी अपने पारिवारिक जीवन से विरक्त हो चुके थे, फिर भी अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अन्यायी नहीं थे, संन्यास के बाद भी बंगाल लौटे और धन का विभाजन किया। गौड़े ये अर्थ छिला ताहा अनाइला, कुटुम्ब ब्राह्मण देवालय बांटी दिला। उन्हें बंगाल में जो भी धन संग्रह किया था उसे एकत्रित किया और अपने 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 संबंधियों, ब्राह्मणों, मंदिरों में बांट दिया। तो अक्सर हमारे आचार्य कहते हैं वी शुड लर्न फ्रॉम रूप गोस्वामी, कमाना भी उनसे सीखिए कैसे कमाया है, और कमाने के बाद उसको बांटना भी उनसे सीखिए। टॉप मोस्ट पोजिशन प्रधानमंत्री, हम लोग सोच ही सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था, आजकल जो दिखता है इतना छोटा नहीं था, बहुत विस्तृत एरिया था और वो एक तरह से सेंटर था हर चीज़ का, उसका प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात थी। और फाइनेंस मिनिस्टर, इतनी बड़ी पोजीशन पे धन कमाया और धन को उन्होंने कैसे व्यय किया ये हमें सिखाते, ब्राह्मणों, मंदिरों और फिर संबंधियों को बांट दिया। सब मना कथा गोसाई करी निर्वाहन, निश्चिंत हैया शीघ्र आईला वृंदावन। और इस तरह उनके मन में जितने कार्य थे उन्हें संपन्न करके वे पूर्णतया तुष्ट होकर वृंदावन लौट आए। सारे जब भक्त लोग इस प्रकार से सेवा निवृत्त होते हैं तो सारे सब लोगों को देखिए, लोगों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, हाँ वो तो हमेशा आपको पूछते ही रहेंगे और जाने भी नहीं देंगे। आपने यदि कभी किसी कंपनी से नौकरी को छोड़ा है
तो आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि नौकरी छोड़ते ही आप बड़े प्रिय हो जाते हो अचानक से। हाँ, सबको लगने लगता है, अरे क्यों जा रहे हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे लिए तो हमने ये सब सोच रखा था। हाँ, ये काम ये आने वाला है, हमने सोचा था ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। और आदमी अक्सर हमने देखा वो बिगड़ जाता है, कहता है अरे यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। ऐसे ही जब संसार से आप जाने लगोगे या छोड़ने लगोगे, सेवानिवृत्त होने लगोगे, नहीं तुम्हारे बिना कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हाँ इनका डाइपर कौन बदलेगा, हम तो बहुत बिजी हैं, माँ पिताजी, हाँ मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, ये बच्चे दिन में आएंगे, ये बोलेगा माँ, बोलेगा नाना, नाना तो किसको नाना बोलेगा, और नाना जी बेचारे अटक जाते हैं, और इसी तरह से हम संसार में भी अटक जाते हैं। देर इज एंड, कभी ऐसा नहीं होगा कि सो लोग कहेंगे हाँ जी अब आप जा सकते हैं, ठीक है जी, ओके अब आप भजन कीजिए, कभी संसार आपको छोड़ेगा नहीं। तो कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप साधु से पूछ सकते हैं, शास्त्रों में देख सकते हैं कि किस हद तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि आपके ऊपर देवी देवता शास्त्रों के अनुसार आरोप ना लगे, उतना हम कर लेते हैं। गुरु परंपरा भी बताती है कि किस प्रकार से, जैसे कि कई बार हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने चैतन्य महाप्रभु के पास आना चाहते थे, सब कुछ त्याग कर, लेकिन उन्होंने कहा आपके जो माता पिता हैं वैष्णव हैं, वेंकट भट्ट इत्यादि, ये घर आप देख सकते हैं श्रीरंगम में, तो श्रीरंगम मंदिर के पास में ही गोपाल भट्ट का घर है, तो वहाँ पर वो दर्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर गोपाल भट्ट वेट करते रहे और वहीं से भक्ति करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने अपने माता पिता को, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ और वो फिर पूरी तरह से वैराग्य उन्होंने ले लिया, पूरी तरह से, ही लेफ्ट एवरीथिंग आफ्टर दैट। तो इस तरह से वैष्णव लोग अपना आचरण से सिखाते हैं कि कैसे कैसे संसार को त्यागा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सन्यासी बन के भी कई बार अपनी पत्नी और संतानों को त्याग भी देते हैं, पत्नी को वो बड़े बच्चे या जो बच्चा होता है उसके संरक्षण में रख के चले जाते हैं, उसके भी कुछ नियम हैं। तो ये सारे नियम बनाए गए हैं, इसमें पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये हायर पर्पस के लिए आप त्याग कर रहे हो। संसार वाले आपको पापी दुष्ट बोल सकते हैं, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज। तो इस प्रकार से जब हम धर्म को त्यागते हैं, सांसारिक धर्म को, तो उससे पाप नहीं लगता है। आम आदमी को ये नहीं त्यागना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं त्यागता है, वो फ्रस्ट्रेट होकर संसार में लोग त्यागते हैं अक्सर। मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ इसलिए विरक्त होना चाहता हूँ, हाँ। तो वैष्णव लोग हायर पर्पस के लिए त्यागते हैं, तो उन्हें पाप नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ये लोग अपना सब कुछ निपटा के आपस में मिलेंगे। दुई भाई मिली वृंदावने वास कैला, प्रभु रे ये आज्ञा दुहे सब निर्वाहिला। दोनों भाई वृंदावन में मिले जहां वे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए रहे। द ओनली पर्पज ऑफ देयर लाइफ वॉज चैतन्य महाप्रभु की इच्छाओं को पूरा करना, ये पर्पज होना चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि वानप्रस्थ आश्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर हमारे संप्रदाय के लिए, क्योंकि वानप्रस्थ में क्या है, अ पर्सन जो कि 45 40 45 50 जब भी वो लेना चाहे, इस एज में बड़ा ही एक्सपीरियंस्ड हो चुका होता है, और यदि वो भक्ति में परिपक्व है तो वो मिशन के लिए बहुत उपयोगी सेवा कर सकता है, बहुत उपयोगी, जितना और कोई नहीं कर सकता। हाँ, द ओनली थिंग इज कि उसको अपनी अटैचमेंट को किस तरह से समाप्त करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द टाइम वी शुड से ओके, और कहते हैं कॉल इट अ डे, बस समाप्त हो गया, अब मैं भगवान की सेवा में लगूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वानप्रस्थ आश्रम, इसमें हम अनलिमिटेड सेवाएं कर सकते हैं मिशन के लिए, हम प्रचार कार्य में और जुड़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के हम टीचर्स बन सकते हैं, क्योंकि कितना एक्सपीरियंस है इन लोगों को, आगे आने वाली जनरेशन को पढ़ाने का, और भी बहुत सारे प्रसाद हम बनाना, वितरण करना, न जाने क्या क्या सेवा कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वानप्रस्थ आश्रम में लोग कैसे आए और सेवा में लगें। दोनों भाई वृंदावन मिले और जहाँ वो महाप्रभु की इच्छा के लिए पूरी तरह रहने लगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी कर प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण देंगे। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति सो बताती, क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा के पूरी करने के लिए संसार में आए भौतिक जगत में। तो ऐसे हैं
रूप गोस्वामी, पहले शिल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन की शाह में, शाह सरकार में मंत्री थे, गृहस्थ थे, बाद में गोस्वामी बन गए। अतः गोस्वामी वह है जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करता है। ये कोई उपाधि नहीं है कि मेरे पिताजी से बेटे को मिल गई, जो आजकल हो रहा है। यह उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, गोस्वामी यानी कि इंद्रियों का स्वामी, और जो अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के निर्वाह हेतु समर्पित कर दे। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब वास्तविक गोस्वामी बने, जब उन्होंने अपना जीवन महाप्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तो इन दोनों भाइयों का महाप्रभु का इनकी इच्छाओं को पूरा करने का ही उद्देश्य था। बाद में महाप्रभु बहुत सारे लोग इनकी सेवा, इनकी हेल्प करने के लिए भेजेंगे। बहुत सारे लोग, ये 6 गोस्वामी बनेंगे वृंदावन के। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी इन्हीं से जाके मिलेंगे, रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी भी इन्हीं से मिलेंगे, जीव गोस्वामी भी इनके पास रहेंगे, और इस प्रकार ये आगे और सारे वैष्णव बनाएंगे और इस प्रचार, इस आंदोलन की नींव स्थापित करेंगे जो आज इतना फैल चुका है। तो यही है पर्पज, इसके लिए इन्होंने बड़ा बलिदान दिया। ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। आपने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को डांट दिया कि सनातन क्यों जाएगा यहाँ से, लेकिन अल्टीमेटली ये इतने प्रिय भगवान के भक्त जो थे, इनको अपने से दूर किया ताकि ये जन साधारण की चेतना को जागृत कर पाए, जैसा कि इन्होंने किया। तो हमें इसी मशाल को आगे, है ना, ओलंपिक मशाल चलती है ना एक दूसरे के हाथ से, इस मशाल को हमें आगे लेके जाना होगा, अपनी शुद्धि करनी होगी और प्रचार करना होगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की।